जी क्लास को एक स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे के ज्वाइन कर ले मीटिंग। कोई भी एक स्टूडेंट प्लीज जो है वो ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दे क्लास मीटिंग ज्वाइन करने का। अच्छा व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्टेटस, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या आप लोगों का क्लास कहाँ तक पहुंचा प्रोजेक्ट, आप लोगों का मिड टर्म हो चुके हैं आप लोगों के कम्प्लीट और ये समर है, समर में जाहिर है थोड़ा सा टाइम कम होता है, लिमिटेशन है टाइम की, तो काइंडली अपने प्रोजेक्ट पे आप काम स्टार्ट कर दें। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास जिसमें बाउंड्री एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइक ऐसा ना हो कि आपके पास फ्रंट एंड पे फॉर्म हो, फॉर्म पे बटन क्लिक करने पे डाटा डाटा बेस पे जा रहा हो, ऐसा नहीं हो, ठीक है। आपका डाटा बाउंड्री क्लासेस में फॉर्म की फॉर्म में हो, फिर वहां से डाटा आपके एंटिटी क्लासेस के थ्रू होता हुआ कंट्रोल क्लासेस के थ्रू मैनेज होता हुआ आपकी डाटा बेस पे जाए, ठीक है। आप एक या दो कंट्रोल क्लासेस बना सकते हैं, लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी की क्लास को कंट्रोल क्लास बना दें, जब भी आपको कनेक्शन चाहिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर दें, वो आपकी डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट हो जाए, जो क्यूरी रन करनी है उसी क्लास के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट के क्यूरीज हों और वो वहाँ से डेटा आपके डेटाबेस में नेविगेट कर दे और इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एंटिटी क्लास में क्रिएट हो और एंटिटी क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट होके जो मेथड इंसर्ट अपडेट डिलीट के क्यूरी आपको चाहिए वो मेथड कॉल कर दें। इस तरीके से एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। मेरे पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर है भी, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने इस तरीके की एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के दिखाई है, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे होती है वो भी आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा और किस तरीके से हम थ्री टायर एप्लीकेशन लाइक हमारे पास डेटा फॉर्म से जाए क्लासेस में थ्रू कंस्ट्रक्टर और प्रॉपर्टी, जब मैं फॉर्म पे कोई बटन क्लिक करूँ तो बटन के बैक एंड पे आपकी एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप कंस्ट्रक्टर में वो सारी वैल्यूज पास कर दें जो आपने फॉर्म की फील्ड पे लिए हैं टेक्स्ट बॉक्सेस। तो वो एक छोटी सी मैंने डेमो वीडियो बनाई थी, तो वो डेमो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, और प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दें, मे बी सेकेंड लास्ट वीक जो हमारे पास होगा, जो नेक्स्ट वीक है उसमें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 15, 16, 17, क्योंकि जो लास्ट वीक है उसमें ईद की भी छुट्टियां आएंगी, सो 21st को अगर ईद होती है सो 21st इज वेडनेसडे, 21st, 22nd, 23rd, थर्ड डे तो ईद पे ही चले निकल जाएंगे हमारे, और 24th से पहले पहले सेशनल अपलोड करना है, तो मे बी 15, 16, 17 जुलाई आपकी प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन हो सकती है इन 3 डेज में। अच्छा मीनवाइल एक काम ये करना है कि आपके क्लास का सीआर कौन है? मैम नुमान अली। नुमान है, अच्छा नुमान आपने एक काम ये करना है कि एक्सेल या वर्ड पे एक फाइल बना दें, फॉर्म आप सबसे फिल करवा दें। मिस मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मिस सीआर। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी हैं नुमान तो एक छोटा सा टास्क है आपने करना ये कि सबके प्रोजेक्ट की एक लिस्टिंग मुझे प्रिपेयर करके देनी है, आप संडे तक कर दो, बहुत टाइम है, आज मंडे है, आप मुझे फ्राइडे तक दे दो, आप मुझे संडे तक दे दो, मतलब इसी वीक तक आप मुझे वो एक कंपाइल फाइल हो जिसमें तमाम प्रोजेक्ट्स के टाइटल और उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स हैं और कितना स्टूडेंट आईडी, वो एक लिस्ट मुझे आप काइंडली सेंड कर दें, टिल फ्राइडे तक कर दें या संडे तक कर दें। आप एक ग्रुप बना रहे हैं जो आपको अच्छा, या आप एक फाइल बना दें एक्सेल फॉर्म में, वो फाइल आप स्टूडेंट्स को दे दें वो अपनी एंट्री कर दें खुद ही, या आप उनसे कहें कि वो अपने स्टूडेंट नेम प्रोजेक्ट टाइटल और स्टूडेंट आईडी आपको मेल ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हैं, आप उस फाइल पे कॉपी पेस्ट करते जाएं। ठीक है, ठीक है, ये फिर बना के एक फाइल लेकिन कंप्लीट हो, उसमें तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स की लिस्टिंग हो। ठीक है मुझे, ठीक है मिस, आप मुझे टोटल स्टूडेंट्स बता दें कितने। टोटल स्टूडेंट्स आई गेस हमारे पास जो हैं इस कोर्स में 40 की स्ट्रेंथ है,
43-44 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है मिस, ठीक है सो आप ये काम कर दो मुझे एज सून एज फ्राइडे, इस वीक तक कर दो कभी भी। ठीक है मिस, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। ये एक स्लाइड में एग्जांपल गिवन है, मैंने आपसे कहा था कि स्लाइड को एक दफा देख लें जरा। अगर हमारे पास पेरेंट क्लास पहले से क्रिएटेड, लेट सपोज लेट अज्यूम कि हम बैंक अकाउंट की क्लास हमारे पास मौजूद है। अब हम बैंक अकाउंट में क्या क्या चीजें होंगी, बैंक अकाउंट की क्लास में अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट होल्डर नेम होगा, और हमारे पास क्या होगा, अकाउंट टाइप होगा। तो फिर जब हम अकाउंट टाइप के एट्रीब्यूट पे आए तो हमें पता चला कि वी कैन हैव करंट अकाउंट एंड वी कैन हैव सेविंग अकाउंट एज वेल। सो हमें जब ये डिटेल्स पता चली तो हमने कहा कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट के जो है वो अलग कैलकुलेशन होगी और करंट अकाउंट के लिए जो बैलेंसेस वगैरह होंगे वो अलग होगी, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो है वो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज होता है। तो दोनों में ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे, तो इसीलिए वी शुड हैव टू डिफरेंट क्लासेस, वन इज फॉर सेविंग अकाउंट एंड अनदर इज वन इज करंट अकाउंट। दोनों हैं अकाउंट की ही टाइप, अकाउंट इज अ सेविंग अकाउंट इज ऑल्सो अ बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट इज ऑल्सो अ बैंक अकाउंट, दोनों इसी से ही ड्राइव कर रहे हैं। तो जो चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन की होंगी बैंक अकाउंट में, वो बाई डिफॉल्ट चाइल्ड क्लासेस में भी इनहेरिट होंगी, एंड चाइल्ड क्लास कैन यूज यर देयर स्पेशलाइज फील्ड एज वेल इन देयर ओन क्लासेस। अब सेविंग अकाउंट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो अपनी ओन क्लासेस में सेविंग अकाउंट की क्लास में आइडेंटिफाई होंगे। इसी तरह जो अकाउंट करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट वाली जो है वो जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ पे इस क्लास के अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होंगे। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, कि हमने पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लासेस को ड्राइव किया है। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास सेविंग अकाउंट और क्रेडिट या करंट अकाउंट की दो अलग अलग क्लासेस हैं, तो अब जब हम इन अलग अलग क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो मैं सेविंग अकाउंट जब बनाने गई तो यहाँ पे भी मैंने कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन किए, अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट होल्डर नेम होगा। जब मैं करंट अकाउंट बनाने आई तो वहां पे भी अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, तो मुझे लगा कि कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ ऑपरेशंस कॉमन है, जैसे विड्रॉ, डिपॉजिट, ये सब चीजें कॉमन है। ठीक है, जो चीजें कॉमन है उसको यहाँ पे भी मुझे यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही चीज बार बार दो क्लासेस में रिपीट हो रही है। तो उससे बेटर ये नहीं है कि मैं एक और क्लास बना दूं बैंक अकाउंट, यानी कि मैंने स्पेशलाइज्ड क्लास से एक जनरल क्लास बना दी बैंक अकाउंट की और मैंने इन क्लासेस को लिंक कर दिया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन, कि हम स्पेशलाइज क्लास से हमने जनरल क्लास बनाई, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। और अगर पेरेंट क्लास है और उससे हमने दो फर्दर जितनी भी क्लासेस ड्राइव की हैं, दैट प्रोसेस वुड कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। अगर आप टॉप टू बॉटम डाउन आएंगे तो स्पेशलाइजेशन, और अगर आप बॉटम टू अप जाएंगे तो जनरलाइजेशन। होती दोनों इनहेरिटेंस ही है। जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। मिस, जनरलाइजेशन तो समझ आ गई, स्पेशलाइजेशन क्या आपने बताइए कि जो पेरेंट से लिंक करेगी? पेरेंट क्लास से जब हम चाइल्ड क्लासेस डिफाइन कर रहे हो, जैसे हमने पेरेंट क्लास बनाई, अब मुझे आगे जाके लगा कि मेरी एप्लीकेशन में उस पेरेंट क्लास से और भी क्लासेस ड्राइव हो सकती हैं जिसके कॉमन एट्रीब्यूट तो वही रहेंगे जो पेरेंट क्लास के हैं, लेकिन उनके कुछ अपने स्पेसिफिक ओन एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। तो फिर वहां से हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लासेस ड्राइव करेंगे। लेट सपोज मैंने कहा कि व्हीकल है, एक व्हीकल की क्लास में कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम या इस तरीके का को मैं कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ। अब उसमें मैंने एक क्लास बनाई व्हीकल की, तो व्हीकल की आईडी होगी, व्हीकल का मॉडल नंबर होगा, व्हीकल का कलर होगा, टाइप होगी। ठीक है, अब मुझे पता चला कि व्हीकल की डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकती है। कार भी व्हीकल की क्लास से बिलोंग कर रही है, लेकिन उसके कुछ एट्रीब्यूट अलग होंगे जो व्हीकल से, जो बाकी तमाम व्हीकल से डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे उसको। ठीक है, अगर मैं अगर मोटर बाइक की बात करूं तो वो भी व्हीकल की ही एक सब टाइप है। तो मैंने व्हीकल की क्लास पहले बनाई और उससे जो उसकी सब क्लासेस हैं, यानी कि जो स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं, वो मैं उससे ड्राइव कर रही हूँ। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन, कि मैंने पेरेंट क्लास को देखते हुए सब क्लासेस बनाना शुरू की या मैंने चाइल्ड क्लासेस बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और इसको हम क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रजिस्टर्ड यूजर की एक एंटिटी क्लास और उसकी इनहेरिटेंस इस तरीके से। इनहेरिटेंस को हम हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन विद दिस एरोहेड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ट्रायंगल, अनफिल्ड ट्रायंगल टुवर्ड्स अ पेरेंट क्लास। इट मींस कि जिस ये ट्रायंगल जिस क्लास की तरफ होगा वो पेरेंट क्लास है, और जहां से ये लाइन ओरिजिनेट हो रही है दैट इज सब क्लास। सो प्रोफेसर भी जो है वो रजिस्टर यूजर की क्लास से जो है वो बिलोंग कर रहा है, और स्टूडेंट भी रजिस्टर
यूजर की क्लास से बिलोंग कर रहा है. सो रजिस्ट्रेशन यूजर की जो भी एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स, प्रॉपर्टीज, जो चीजें होंगी वो इन दोनों क्लासेस के लिए एक्सेसिबल होंगी क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं. प्रोफेसर की जो अपने स्पेशल एट्रीब्यूट होंगे स्पेसिफिक, वो इसी के लिए स्पेसिफिक होंगे, वो ना तो स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होंगे ना इसके पेरेंट के लिए होंगे. हाँ, अगर मैं प्रोफेसर से कोई और क्लास ड्राइव करूँ तो वो फिर जो है वो फर्दर इसके एट्रीब्यूट वो उसके लिए एक्सेसिबल होंगे. अच्छा, जनरलाइजेशन इनहेरिटेंस करते हो, ये चीज माइंड में रखना जरूरी है कि क्या हर रिलेशन इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रही है? नो, नॉट नेसेसरी. हमें क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एदर जनरलाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती. ठीक है, अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूँ तो इनहेरिटेंस क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. अब हर क्लास के बीच में हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं हो सकता. लेट अज्यूम कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स से क्या है कि मैं उनकी चाइल्ड हूँ, सो दैट इज एन इनहेरिटेंस. और मेरा रिलेशनशिप, अगर मैं अपनी कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की बात करूँ जो मेरे स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो वो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं. ऑपरेशंस क्या है कि कोई भी नॉर्मल पर्सन के ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अ पर्सन कैन वॉक, ईट, टॉक, उसका नेम, एज, ये वो सब चीजें हैं जो वो अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है. मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका भी नेम है, एज है, तो मैं उसको उस तरीके से वहां से इनहेरिट कर रही हूँ. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे किसी पर्सन का बैंक अकाउंट, ठीक है. अब अगर मेरा कोई बैंक अकाउंट है सो दैट इज नॉट माई चाइल्ड, ठीक है. वो क्या रिलेशनशिप होगी? एसोसिएशन. वो वही पुराना प्रिंसिपल जो हमने एसोसिएशन में पढ़ा था. मेरा मेरे पेरेंट्स से रिलेशनशिप इनहेरिटेंस, और मेरा मेरे बैंक अकाउंट से रिलेशनशिप एसोसिएशन. सो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप अकर हो रहा है. जहां पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, जहां पे इज अ रिलेशनशिप हो, वहां पे इनहेरिटेंस. जहां पे हैज अ रिलेशनशिप हो या कंपोज्ड ऑफ रिलेशनशिप हो, वहां पे एग्रीगेशन या कंपोजिशन या एसोसिएशन की जो सब टाइप्स हैं, ठीक है. अगर मैं कह रही हूँ अ पर्सन हैज अ लेग, सो लेग या उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज नॉट हिज नॉट हिज चाइल्ड, ठीक है. अगर मैं कहूँगी मेरे हैंड्स, सो इट्स नॉट माय चाइल्ड. ये मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको मिला के अगर मैंने कंपोज किया तो एक पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट इज कंपोजिशन. मेरा मेरी बॉडी पार्ट से क्या रिलेशनशिप है? कंपोजिशन. मेरा मेरे पेरेंट्स से क्या रिलेशनशिप है? इनहेरिटेंस. तो ये चीज हमने आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि जब हम क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस होगी, एग्रीगेशन होगी, एसोसिएशन होगी या कंपोजिशन होगी. अगर इज अ रिलेशनशिप है, यानी कि चाइल्ड वही है जो उसका पेरेंट है, तो वो इनहेरिटेंस है. लाइक जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पुअर जनरलाइजेशन एग्जाम्पल, अ पर्सन जिसके एट्रीब्यूट होंगे और ऑपरेशन होंगे. और अगर मैं कहूँ पर्सन का आर्म, लेग और हेड उसके चाइल्ड है, सो इट्स नॉट ट्रू. इट्स जस्ट द बॉडी पार्ट्स. ये मेरे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको कंपोज करके एक पर्सन एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो इनके बीच में क्या होगी? कंपोजिशन. अगर मैं चेयर की बात करूं, सो चेयर क्या आर्म, उसके बैक चेयर, उसकी जो हैंड्स हैं वो सब उसके क्या हैं? उसके साथ उसकी कंपोजिशन है. लेकिन अगर मैं चेयर की टाइप की बात करूं, फर्नीचर, सो फर्नीचर और चेयर इनका क्या रिलेशनशिप है? इनहेरिटेंस. Because a chair is a furniture, type of furniture. So जब is आ गया तो inheritance, और जब has आ गया या composed of हो गया तो composition और aggregation. Violate the is a or is a kind of heuristic. क्योंकि अगर हम इसमें is a relationship लगाएं तो not possible. Arm is not a person. It's just a body part. Leg is not a person. तो हम किस तरीके से identify कर सकते हैं? जब child class, parent class का ही part, like leg is not person. Leg is a part of person, but leg is not person. अगर मैं कहूँ teacher is a person, that statement is true. Professor is a person, that statement is true. Teacher is a student person, that statement is true. Car is a vehicle, this statement is true. Motorbike is a vehicle, this statement is also true. Cars has an engine, so inheritance नहीं है. Car में एक उसका component जो है वो लग रहा है उसके साथ, composed of, exist of, तो वहां पे aggregation. Inheritance tree, the basis for specialization is why subclasses were created. Inheritance tree क्या है कि हम कितने लेवल से उसको फर्दर क्या ब्रेक कर सकते हैं. Why subclasses were created in an inheritance relationship is called the discriminator.
जो बाद में आने वाली क्लासेस हैं, जो चाइल्ड क्लासेस हैं, उनको हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल, वन बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ कोर्स क्लास इज द लोकेशन ऑफ द कोर्स, ऑन कैंपस कोर्स एंड ऑफ साइट कोर्स. जैसे अभी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें से कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं. कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑन कैंपस हो रहे हैं, यानी कि क्लासेस फिजिकल हो रही है, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑनलाइन हो रही हैं. दोनों कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं. ऑन कैंपस कोर्स इज ऑल्सो अ कोर्स, ऑफ साइट कोर्स या ऑनलाइन कोर्स इज ऑल्सो अ कोर्स. दोनों कोर्स की क्लास से बिलोंग करें तो हम कोर्स की क्लास को ऑन कैंपस कोर्स और ऑफ साइट कोर्स में ब्रेक कर सकते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेटर होंगे. The inheritance relationship may be shown as a tree for all subclasses create from one discriminator. So वो tree बनता जाएगा. हम जैसे जैसे drive करते चले जाएंगे classes को, हमारे पास inheritance tree बनता जाएगा. Another subclass of course could be mandatory course. ठीक है, जैसे हमने elective courses देखते हैं, हम कुछ courses ऐसे देखते हैं जो elective course होते हैं, और कुछ courses ऐसे होते हैं जो basic course होते हैं, जो हर हाल में करने होते हैं. This subclass would not be part of the inheritance tree. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि inheritance tree हमने define किया, जिसमें हमारे पास एक class है course की. अब हम course से कह रहे हैं कि एक course हमारे पास है off-site campus course और एक है on-site campus course. और एक course है हमारे पास mandatory course, जो again एक subclass course की class का ही subclass है. लेकिन ये उस inheritance tree का part नहीं है जो हम पहले define कर चुके हैं. Because it belongs to a different discriminator course type. ये course की type पे depend कर रहा है, और वो किस पे depend कर रहा है? Course की location पे. So ये दो अलग inheritance tree बनेंगे. मैंने दिखाया नहीं है. Care must be taken when you discover multiple discriminators for a class. For example, what happens when a mandatory course is held on campus? वो कह रहे हैं कि क्या होगा कि अगर एक mandatory course जो है वो on campus course भी हो गया, तो फिर क्या होगा? Do you have a multiple inheritance situation? Should aggregation be used? तो फिर आपको decision लेना पड़ेगा कि आप aggregation use करेंगे या आप multiple inheritance वाली situation को utilize करेंगे. ठीक है, वो इस तरीके का कुछ scenario बताने की कोशिश कर रहे हैं. Let's suppose हम कह रहे हैं कि एक class है हमारे पास. क्या मैंने कहा कि ये क्लास है मेरे पास कोर्स की. ठीक है, अब इस कोर्स की क्लास से हमने क्या किया, इस कोर्स की क्लास से हमने दो क्लासेस, एक इनहेरिटेंस ट्री बना दिया. ये हो गया हमारे पास, दो क्लासेस बना दी हमने. यहाँ पे एक एरो हेड भी बना देते हैं. ये मैं कुछ एरो हेड जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, ये हो गया. हमेशा ये जो एरो है ये आपके पेरेंट क्लास की तरफ आएगा. तो पेरेंट क्लास कौन सी है? मेरी कोर्स. यहाँ पे मैंने दो और क्लासेस बना दी. ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ टेक्स्ट में. ऑन कैंपस कोर्स. ठीक है, एक सब टाइप ये हो गई मेरे पास, और मैं एक और बना देती हूँ. ठीक है, दोनों कोर्स की क्लास से ही बिलोंग कर रहे हैं. ये हो गए मेरे पास ऑफ साइड कैंपस कोर्स. ठीक है, ये हमारे पास बन गया एक इनहेरिटेंस ट्री. अब वो कह रहे हैं ये कोर्स की कैटेगराइजेशन है, या हमने कोर्स की स्पेशलाइजेशन की है. किस टर्म पे की है हमने? ऑन टर्म्स ऑफ लोकेशन. ये कोर्स की लोकेशन क्या है? वो कह रहे हैं एक और हमारे पास ये एक इनहेरिटेंस ट्री बन गया. अब वो कह रहे हैं कोर्स को हमने एक और वे में ब्रेक किया. ठीक है, लाइक मैंने एक और इनहेरिटेंस हम कर देते हैं कोर्स के साथ. मैं कह रही हूँ कि ये एक और मेरे पास रिलेशनशिप है, और इसको मैं कह रही हूँ कि ये है मैंडेटरी कोर्स.
ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि ये है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक इनहेरिटेंस ट्री है ऑन टर्म ऑफ लोकेशन वाइज, और ये मेरे पास जो दूसरा है, ये दूसरा मेरे पास इनहेरिटेंस ट्री है ऑन टर्म्स ऑफ कोर्स लोकेशन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इफ, अगर वो मैंडेटरी कोर्स के लिए जरूरी है कि वो ऑन कैंपस कोर्स भी हो, तो अब आप इन दो क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप करोगे कि इसको आप इससे इनहेरिट करवा सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन कर दो कि मैंडेटरी क्लास के लिए जरूरी है कि वो ऑन कैंपस हो, तो एक एसोसिएशन हो जाए। तो इस जब इस तरीके का कोई सिनेरियो आए, तो क्या आप मल्टीपल इनहेरिटेंस चूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगी अगर हम इसको इससे इनहेरिट करवा देते हैं। तो अगर आप इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप एसोसिएशन और एग्रीगेशन के टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये फिर उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो कि आप किस तरीके से, किस सीक्वेंस पे चलना है। अगर तो हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी कोर्स को फिर मैंने ऑन कैंपस कोर्स से भी कनेक्ट कर दिया, तो ये देखें ये मेरे पास एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बन गई कि ऑन कैंपस कोर्स, मैंडेटरी कोर्स दोनों उससे ड्राइव हो रहे हैं, किससे, कोर्स से। बल्कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस तो नहीं होगी, होगी होगी ना, एक क्लास दो क्लासेस से ड्राइव हो रही है, इससे भी और इससे भी, ऑन कैंपस कोर्स इससे भी ड्राइव हो रही है और इससे भी हो रही है। तो अब जैसे सी शार्प और जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन कैंपस और मैंडेटरी कोर्स के बीच में एसोसिएशन या एग्रीगेशन यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, वापस स्लाइड पे आते हैं अपने। ठीक है, ये प्रोफेसर वाली इन्होंने क्लास डायग्राम शो कर दी कि रजिस्ट्रेशन यूजर इज अ पेरेंट क्लास, जो कि एंटिटी क्लास है, ये स्टीरियोटाइप से मेंशन किया है इन्होंने। ठीक है, ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं। एंड देन उससे दो क्लासेस ड्राइव कर दिए, प्रोफेसर एंड स्टूडेंट, ये दोनों भी एंटिटी क्लासेस हैं। फिर हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन यूजर, प्रोफेसर, स्टूडेंट, और फिर इसमें हमने लिंक कर दिया कोर्स ऑफरिंग। कोर्स ऑफरिंग जो हुई, आर टीचर, वन टीचर कैन टेक, हो सकता है वो सेमेस्टर में एनरोल ना हो, कोई कोर्स ना पढ़ा रहा हो, जीरो, एंड कैन टेक फोर कोर्सेज मैक्सिमम। और कोर्स ऑफरिंग का स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है, कोर्स ऑफरिंग 0 to 4, यानी कि हो सकता है एक स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एनरोल ना हो और मैक्सिमम 4 कोर्सेज में एनरोल हो, और एक कोर्स में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स हो। तो ये इसकी, इस सिनेरियो की क्लास डायग्राम ये बन रही है, और इसमें हमने एट्रीब्यूट भी बता दिए कि स्टूडेंट में उसका मेजर आएगा, उसका नेम, उसका आईडी नंबर, प्रोफेसर में उसका टेन्योर स्टेटस, उसका नेम, उसका आईडी नंबर। तो ये दो फील्ड्स रिपीट हो रही हैं दोनों क्लासेस में, तो इसको हम क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन यूजर वाली क्लास में यूज करेंगे लाइक दिस। तो अब देखें यहाँ पर से हमारे वो वेरिएबल जो एक दो थे जो रिपीट हो रहे थे, वो यहाँ से रिप्लेस करके हमने इस पेरेंट क्लास में डाल दिए। जी, यहाँ तक कोई सवाल? ओके, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस वर्सेस मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, अ चाइल्ड कैन हैव एग्जैक्टली वन पेरेंट, दैट इज देयर इज वन चेन ऑफ सुपर क्लास, यानी कि एक ही कार चेन होगी सुपर क्लास की। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज अ मोटर व्हीकल विच इज अ व्हीकल। ठीक है, कार जो है वो मोटर व्हीकल से बिलोंग कर रही है, और मोटर व्हीकल इटसेल्फ एक व्हीकल है। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट कौन होगा, व्हीकल। व्हीकल का इमीडिएट सब चाइल्ड होगा मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल का सब चाइल्ड होगी कार। तो ये एक हायरार्की बन गई, इस हायरार्की में ग्रैंड पेरेंट इज व्हीकल, व्हीकल का चाइल्ड मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल का चाइल्ड भी कार। सो बाय डिफॉल्ट जो कार है वो व्हीकल की भी चाइल्ड ही है। तो व्हीकल के तमाम एट्रीब्यूट्स मोटर व्हीकल के लिए भी एक्सेसिबल हैं और कार के लिए भी एक्सेसिबल हैं। और अगर मोटर व्हीकल के कुछ स्पेशलाइज एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो कार के लिए भी एक्सेसिबल है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इन्वॉल्व मोर देन वन चेन ऑफ सुपर क्लास। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या कह रही है कि हमारे पास एक से ज्यादा, एक क्लास के लिए एक से ज्यादा पेरेंट्स हो, यानी कि अ क्लास कैन बी ड्राइव फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट, जो अभी मैंने आपको एक सिनेरियो में भी बताया था वाइट बोर्ड पे, अगर आपको याद हो अभी। ये जैसे यहाँ पे मैं ऑन कैंपस कोर्स को अगर मैं ड्राइव करती हूँ मैंडेटरी कोर्स से भी, तो ये ऑन कैंपस वाली कोर्स
कोर्स की क्लास का भी चाइल्ड है और मैंडेटरी कोर्स वाली क्लास का भी चाइल्ड है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन है जो कि सेम है यहाँ पे भी, और इत्तेफाक से ये दो इसी का ही चाइल्ड है, तो ये हमारे पास एक पूरी चेन बन गई। तो ये किसको एट्रीब्यूट का, कौन से एट्रीब्यूट को यूज करेगा। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे एक लेट सपोज एक ऑपरेशन है, ठीक है, एक ऑपरेशन है मेरे पास जिसको ओवरराइड किया इस मैंडेटरी वाले ने जो इसका सब चाइल्ड है, अब ये भी ओवरराइड करना चाह रहा है, तो ये कौन से वाले को ओवरराइड करेगा, इसको या इसको। तो हमारे पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आता है जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर उस क्लास की, शायद आपने उप में भी पढ़ा हो कि ऑटोमेटिकली जो उस क्लास की चाइल्ड क्लास होगी पहले उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट जो है वो पर्सन से बिलोंग कर रहा है, तो मैं जैसे ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले पर्सन के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा, ठीक है। ये तो पता होगा ना कि जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो अपना ऑब्जेक्ट कॉल करने से पहले अपनी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑन कैंपस वाले कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो इसके तो दो पेरेंट हैं, एक ये और एक ये, तो ये कौन सी वाली का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉन्फ्लिक्ट आ गया और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसीलिए बहुत सारी लैंग्वेजेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रही होती, वो ये कहती हैं कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए तो आप इंटरफेसिस के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं इनडायरेक्टली, बट देयर इज नो डायरेक्ट वे टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है इसकी, क्या एग्जाम्पल दी है, ये एग्जाम्पल है कि मेरे पास जो एन एम्फिशियस व्हीकल इज अ मोटर व्हीकल विच इज अ व्हीकल, एंड एन एम्फिशियस व्हीकल इज अ वाटर व्हीकल विच इज अ व्हीकल एज वेल। अगेन इसी तरह की एक चेन बन रही है कि जो एम्फिशियस व्हीकल है वो मोटर व्हीकल है, यानी कि मोटर व्हीकल पेरेंट है और एम्फिशियस व्हीकल उसका चाइल्ड है, विच इज अ व्हीकल, यानी कि यहाँ पे भी सबसे मेन हमारे पास व्हीकल, व्हीकल का चाइल्ड मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल का चाइल्ड एम्फिशियस व्हीकल। फिर वो फर्दर कह रहे हैं कि ये जो एम्फिशियस व्हीकल है, जो मोटर व्हीकल का चाइल्ड है, वो वाटर व्हीकल का भी चाइल्ड है, और वाटर व्हीकल इटसेल्फ एक व्हीकल है। तो एम्फिशियस व्हीकल के यहाँ पे दो पेरेंट्स हो रहे हैं, एक मोटर व्हीकल और एक वाटर व्हीकल। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरफ जा रहे होते हैं, वो ये प्रॉब्लम्स हैं। नेम क्लैशेस एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ इनहेरिटेड फीचर्स, द मोर सुपर क्लासेस द हार्डर इट इज डिटरमाइन व्हाट कम्स फ्रॉम वेयर एंड व्हाट हैपेंस इफ आई चेंज समथिंग। अगर बहुत सारी सुपर क्लासेस होंगी तो आप किसी एक में चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि कहाँ पे चेंज किया और कैसे किया। Inheritance versus aggregation. Inheritance should be used to separate commonality from specific. Inheritance हम किस लिए use कर रहे होते हैं, जो common attributes हैं उसको हम उस class से हटा के एक common class में रखें, और जो specialized attributes हैं उनको specialized class में रखें। Aggregation should be used to show composite relationship. Aggregation किस लिए use होता है, composite relationship को reflect करने के लिए। Often the two types of relationship are used together, और हम इन दोनों को साथ भी use कर सकते हैं। The student class has a classification aggregation that is either full time or part time inheritance. ठीक है, वो कह रहे हैं कि student की class की एक classification है, ठीक है, वो उसकी aggregation है, और वो student full time student है या part time student है, that would be inheritance. Like this. ठीक है, हम कह रहे हैं कि student की class classification की class से क्या कर रही है, aggregation का role play कर रही है. Student has classification. अब ये क्लासिफिकेशन में क्या चीज है कि वो या तो फुल टाइम स्टूडेंट है या पार्ट टाइम स्टूडेंट है। तो ये क्लासिफिकेशन की क्लास इज अ पेरेंट क्लास, एंड फुल टाइम एंड पार्ट टाइम क्लास इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन। वेयर एज क्लासिफिकेशन का क्लास इटसेल्फ इज क्रिएटिंग एन एग्रीगेशन रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट कैन हैव वन क्लासिफिकेशन एट अ टाइम, वो या तो फुल टाइम स्टूडेंट हो सकता है या पार्ट टाइम स्टूडेंट हो सकता है। तो हम इस तरीके से क्लासेस को लिंक अप कर सकते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन कैसे होगी, जैसे अगर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी है तो उसके लिए हम इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं। तो इंटरफेसेस की रियलाइजेशन आप कैसे दिखाएंगे, थ्रू दिस डैश्ड एरोहेड्स। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियलाइजेशन रिप्रेजेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस बाय अ क्लास, कि ये क्लास है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। इंटरफेस के लिए आप इसी तरीके से स्टीरियोटाइप यूज करेंगे, मीन्स इंटरफेसेस
कलेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट मेथड, और जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है यानी कि उस इंटरफेस के इनकम्प्लीट मेथड की डेफिनेशन दे रही है, दैट क्लास वुड बी द रियलाइजेशन क्लास. जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो आप लोग बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है. जी क्लास, मैम जनरलाइज्ड क्लास को बोलते हैं. कौन सी क्लास को? मींस इनकम्प्लीट क्लास, इनमें मतलब इनकम्प्लीट क्लास. इनकम्प्लीट इन व्हाट सेंस, किस सेंस में आप कह सकते हैं कि एक क्लास इनकम्प्लीट है? फंक्शन नहीं होते मैम उसमें, बिहेवियर फंक्शंस होते ही नहीं है इसमें, बताया जाता है रिलेशन नहीं बन सकता. क्या नहीं बन सकता? मिस उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता. तो क्यों नहीं होता क्रिएट? कोई ना कोई तो ऐसी उसकी वो होगी ना रीजनिंग के, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता. एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग्स क्या होते हैं? इनकम्प्लीट, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है इनकम्प्लीट या जस्ट एन आइडिया जिसकी आपको कम्प्लीट डिटेल ना पता हो. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यूजली ऐसी क्लासेस को बनाते हैं जिनमें हमारे पास कोई इनकम्प्लीट मेथड हो या कोई ऐसा मेथड हो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी इस स्टेज में हमें ना पता हो. लेट सपोज मैं एम्प्लॉय की क्लास बनाने जा रही हूँ और मुझे पता है कि एम्प्लॉय के मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं. एम्प्लॉय की क्लास पेरेंट क्लास है, उसमें मैंने जी मिस मैं ये कह रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की जो सब क्लासेस तो होती है ना जी, तो उसको फिर हम सब क्लासेस से कर लेते हैं. क्या सब क्लासेस से कर लेते हैं? जिस तरह आप बोल रही हैं कि जो भी हमें इनहेरिटेंस करनी होगी और ये जो हमें करनी होगी वो सब क्लासेस से नहीं होगी, इसी की सब क्लासेस से. हाँ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिटेंस में तो यूज होती है. अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना, जिसमें क्योंकि उसमें एक इनकम कोई भी एक अगर किसी भी क्लास में एक भी मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन है तो हम उसको कह रहे हैं कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है यानी कि इनकम्प्लीट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता. अब उस क्लास को कोई क्लास इनहेरिट करेगी, उसकी चाइल्ड क्लास बनेगी और उसके इनकम्प्लीट मेथड को कम्प्लीट करेगी तो उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इटसेल्फ यूजेज क्या है कि ये सिर्फ इनहेरिटेंस हायरार्की में यूज हो सकती है. वही मैं एग्जांपल आपको देने जा रही थी. लेट अस्यूम मेरे पास एम्प्लॉय की एक क्लास है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है, उसकी एम्प्लॉय आईडी है, उसकी डेजिग्नेशन है और सैलरी वगैरह का एक फील्ड है. अच्छा अब वहां पे एक मैंने मेथड डिफाइन किया, ऑपरेशन डिफाइन किया सैलरी कैलकुलेशन, ठीक है. अब मैं एम्प्लॉय की क्लास में मेरे पास मुझे पता है कि एम्प्लॉय की मल्टीपल क्लासिफिकेशंस मेरे पास हो सकती हैं. एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड या कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है, और वो एम्प्लॉय जो है वो आवरली एम्प्लॉय भी हो सकता है कि उसने जितने घंटे काम किए उसके वेजेस के अकॉर्डिंगली हम उसको पे करें. अब तीनों क्लासिफिकेशन के लिए सैलरी कैलकुलेशन अलग होगी. अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसका जो है वो डिफरेंट अलाउंसेज उसको मिलेंगे, उसकी बेसिक पे होगी, उसमें हाउस रेंट अलाउंस होगा, उसमें मेडिकल अलाउंस होगा, माइनस टैक्स कैलकुलेशन होगी जो टैक्स की डिडक्शन होगी, ठीक है. ये कैलकुलेशन इस तरीके से होगी. जो वेज आवरली एम्प्लॉय है उसके क्या हमें चीज चाहिए होगी, उसने कितने घंटे काम किया और पर आवर हम उसको कितना चार्ज कर रहे हैं. ये दो फील्ड आगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी. अगर कमीशन बेस्ड एम्प्लॉय है तो उसकी बेसिक सैलरी प्लस कमीशन के वो परसेंटेज के जितना वो प्रोजेक्ट है जो उसको कमीशन देना उसका परसेंटेज उसकी बेसिक सैलरी में एड अप हो जाएगा, ठीक है. तो तीनों मेथड के लिए सैलरी कैलकुलेशन अलग अलग है. तो मैं एम्प्लॉय वाली जो क्लास है उसमें अगर मैं सैलरी की कैलकुलेशन दूंगी तो वो बाकी तीनों वाली क्लासेस के लिए नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि हर क्लास की अपनी ओन इम्प्लीमेंटेशन है. मुझे पता है एम्प्लॉय की क्लास जब मैं बना रही हूँ कि सैलरी कैलकुलेशन का एक मेथड होगा, लेकिन हर स्पेशल क्लास का अपना एक स्पेशलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एम्प्लॉय की क्लास में सैलरी वाले मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे. हम ये कह रहे हैं कि आगे जाके सैलरी कैलकुलेशन होगी लेकिन अभी एम्प्लॉय की क्लास में उसकी डिटेल देना अभी मीनिंगफुल नहीं है. फिर मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय की एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक सैलरी का मेथड इनकम्प्लीट कर दिया. मैंने कहा सैलरी का मेथड होगा आगे जाके लेकिन अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन देना इज नॉट मैंडेटरी फॉर मी, ठीक है. अभी इनकम्प्लीट है, अभी मैंने उसकी हाई लेवल डिटेल दे दी कि आगे जाके सैलरी का एक मेथड बनेगा. फिर हमने क्या किया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट की क्लास से जो एम्प्लॉय की क्लास से उससे मैंने एक और क्लास ड्राइव की जो कि है मेरे पास फुल टाइम एम्प्लॉय.
और फुल टाइम एम्प्लॉय की वही क्लासिफिकेशन होंगी जो हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास में, बस उसके कुछ स्पेशल स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होंगे लाइक उसका बोनस पेमेंट अगर है, उसकी बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये स्पेसिफिक फील्ड होंगी। और मैंने सैलरी का जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनकम्प्लीट था उसको मैंने ओवरराइड करवाया उसकी चाइल्ड क्लास में फुल टाइम एम्प्लॉय में, और फिर वहां पे मैंने उन सब चीजों को एड अप करके उसकी सैलरी कैलकुलेशन कर दी। तो वो जो इनकम्प्लीट मेथड था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वो उसकी चाइल्ड क्लास ने कम्प्लीट किया, और अगर ये चाइल्ड क्लास उस इनकम्प्लीट मेथड को कम्प्लीट नहीं करती तो वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाती। तो जो चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है उसके लिए जरूरी है कि उसके तमाम इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे, नहीं तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। सिमिलरली मैंने वर्किंग आवर वर्किंग एम्प्लॉय की एक और क्लास बनाई और उसको मैंने उसी एम्प्लॉय की क्लास से इनहेरिट कर दिया, उसने वही सैलरी वाला मेथड अपनी जो है वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसने उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया कि उसने कितने घंटे काम किया और पर आवर हम उसको कितना चार्ज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर दी। सैलरी का मेथड जो इनकम्प्लीट मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में रखा था उसकी दो चाइल्ड क्लासेस ने अपने अकॉर्डिंगली उसकी ओन इम्प्लीमेंटेशन दे दी। तो ये एडवांटेज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जब आप हायर लेवल पे होते हैं तो हर चीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके पास नहीं होती, आपको पता होता है कि ये चीज आगे जाके यूज होगी तो आप सिर्फ उसको लिस्ट डाउन करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आगे आने वाली क्लासेस को जब उसकी जरूरत होगी तो अपने हिसाब से उसको अपडेट कर देंगे। ये एक एग्जांपल गिवन है, इसको देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक आइकन की क्लास है, ठीक है, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट किया। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे, इसमें एक मेथड है डिस्प्ले और इस मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट रखा, यानी इस मेथड की डेफिनेशन हमने नहीं दी, इस मेथड की डेफिनेशन नहीं दी, मेथड की बॉडी नहीं है, सिर्फ नाम देके छोड़ दिया, सिग्नेचर करके छोड़ दिया, उसकी बॉडी डिफाइन नहीं की। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी वजह से आइकन की क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। फिर हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक और क्लास ड्राइव की विच इज रेक्टेंगुलर आइकन एंड आर्बिट्रेरी आइकन। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्लास का अपना हाइट इंटीजर और विड्थ है, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखें इस क्लास ने डिस्प्ले वाले इनकम्प्लीट मेथड को कम्प्लीट नहीं किया, तो अगेन ये क्लास रेक्टेंगुलर क्लास इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिमिलरली आर्बिट्रेरी आइकन वाली क्लास ने भी इस डिस्प्ले वाले इनकम्प्लीट मेथड को कम्प्लीट नहीं किया तो ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये गेट आईडी का मेथड है, ये एक कॉन्क्रीट ऑपरेशन है। जब भी हम ऐसे मेथड की बात करें जिसकी डेफिनेशन या बॉडी ना हो वो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ऐसा मेथड जिसकी बॉडी गिवन हो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन या कॉन्क्रीट मेथड होता है। सिमिलरली रेक्टेंगुलर आइकन से मैंने एक और क्लास ड्राइव की बटन, और बटन के अंदर मैंने डिस्प्ले को कंप्लीट कर दिया। अब जैसे ही डिस्प्ले कंप्लीट हुआ तो ये बटन वाली क्लास कंप्लीट क्लास हो गई। फिर बटन वाली क्लास से मैंने एक और क्लास ड्राइव की ओके बटन, जो कि लीफ क्लास है, मतलब इसके बाद अब कोई और क्लास नहीं है लीफ नोट पे, और इसमें मैंने डिस्प्ले के मेथड को दोबारा से ओवरराइड कर दिया। तो बटन एंड ओके बटन दोनों इस इनकम्प्लीट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, और ये दोनों, ये भी कंक्रीट क्लास है, ये भी कंक्रीट क्लास है, और ये लीफ क्लास है, मतलब लीफ नोट पे है, इसके बाद कोई और क्लास नहीं है। जी समझ में आ गया। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले, अटेंडेंस लेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे।